Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to your online science class. This is your teacher Sadia Yunus. Aaj ka hamara topic hai constipation, heartburn and ulcer. Ye teeno hamare digestive system ke disorders hain jinki wajah se hamara digestive system disturb ho jata hai. So pehli reading start karte hain. Constipation. Constipation occurs when the bowel movements are tough or happen less often than normal. कॉन्स्टिपेशन उस वक्त मसला होता है जब बाउल मूवमेंट्स मैंने कल के लेक्चर में भी आपको बताया था क्या होता है. हमारी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स को कहते हैं बाउल मूवमेंट. जब बाउल मूवमेंट्स कम हो जाएं या मुश्किल हो जाएं करना इंटेस्टाइन को तो कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है. इट इज़ द कंडीशन व्हेन द स्टूल बिकम्स हार्डर एंड मोर डिफ़िकल्ट टू पास आउट. ये इस कंडीशन में स्टूल जो है, जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, वो बहुत सख्त हो जाता है और वो पास करना, वो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है. और इस मसले में कभी कभी पेन का सामना भी करना पड़ता है. एवरीवन फेसेस कॉन्स्टिपेशन मेनी टाइम्स इन लाइफ. हर कोई ज़िंदगी में बहुत बार कॉन्स्टिपेशन का सामना करता है क्योंकि ये एक आम मसला है. ये पानी की कमी की वजह से भी हो जाता है. जब हम पानी कम पीते हैं या हम ऐसे फूड्स खा रहे होते हैं जो जिन्हें डाइजेस्ट होने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. द नॉर्मल ड्यूरेशन बिटवीन बाउल मूवमेंट्स चेंजेस ग्रेटली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और बाउल मूवमेंट का ये ड्यूरेशन मतलब टाइम पीरियड जो है वो हर पर्सन से दूसरे पर्सन में चेंज होता है. ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन का सेम हो. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्टबर्न. Heartburn results in the production of sensation of burning in stomach and the patient might feel a sore taste in the mouth. Heartburn, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें कुछ जलता है. दिल जलता है? नो, दिल नहीं जलता. इसमें मरीज सेंसेशन ऑफ बर्निंग फील करता है अपने स्टमक में, अपनी चेस्ट में या फिर अपने खाने की नाली में, जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, या फिर हम इसको जलन भी कह सकते हैं. बर्निंग सेंसेशन मतलब जलन. और ये होती है एक एसिड के ऊपर तक जाने में. हमारे स्टमक में जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से अपना काम ना कर पाए और स्टमक उसको ऊपर को उछाल दे ओसोफेगस तक, तब हमारे स्टमक में जलन शुरू हो जाती है और हमें हार्ट बर्न का मसला दरपेश होता है. और इसमें पेशेंट अपने मुंह का टेस्ट जो है वो बहुत खट्टा भी महसूस करता है. ये भी एक इसकी सिम्टम है. द पेशेंट फील्स सिम्टम्स मोर देन टू टाइम्स इन अ वीक. जिस पर्सन को ये मसला होता है वो एक हफ्ते में दो बार ये मसला, उसको कह लें कि हार्ट बर्न, जलन का एहसास महसूस हो सकता है. और इसके अलावा पेशेंट टू पेशेंट ये भी बढ़ सकता है. अगर मसला ज़्यादा है तो फिर रोज़ाना भी जलन महसूस हो सकती है पेशेंट को. हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अल्सर. अल्सर नॉर्मली स्टमक में हो जाने वाले ज़ख्म को कहा जाता है. अल्सर में होता क्या है? अल्सर टेक प्लेस व्हेन द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज़ डैमेज्ड ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. कोई बैक्टीरिया अगर स्टमक की लाइनिंग मतलब उसकी दीवारों को डैमेज कर दे, उसमें ज़ख़म कर दे, तो हमें अल्सर का सामना करना पड़ता है. ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऑयली खाने खाने की वजह से, स्पाइसी खाने खाने की वजह से भी होता है या बाहर के खाने खाने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के खाने इतने साफ़ नहीं होते. इट इज़ कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलरी. ये उस बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से अल्सर का मसला होता है. दिस बैक्टीरिया ट्रांसफर्स थ्रू स्पाइसी फूड. और ये बैक्टीरिया, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, स्पाइसी फूड्स की वजह से ट्रांसफ़र होता है. हाई स्ट्रेस लेवल्स ऑल्सो एक्टिवेट अल्सर कॉजिंग सिक्रेशंस. अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो हर वक्त स्ट्रेस में रहता है, तो उस वक्त भी स्टमक में अल्सर का मसला हो सकता है. उस वक्त चूँकि हाई स्ट्रेस में इंसान का स्टमक ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है और ज़्यादा एसिड का बनना भी अल्सर क्रिएट कर देता है स्टमक के अंदर. द सीवियर साइड इफेक्ट्स ऑफ सम मेडिसन्स कैन कॉज अल्सर एज वेल्स. अब उस मेडिसिन का उन्होंने जो नाम लिखा हुआ एस्पिरिन है, वो कह रहे हैं एस्पिरिन का ज़्यादा यूज़ भी अल्सर बना सकता है. अब एस्पिरिन क्या है? ये जो पैनाडोल है या ये जो पेन किलर्स होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करें तो ये भी स्टमक को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अल्सर बना सकते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया है बच्चों. अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अपना काम जी सूट पर लाजमी.
सेंड करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.